सुबह दर्शन हो गए तुम्हारे, तो क्या मॉर्निंग गुड रह सकती है भला? नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ राधा राधा राधा, क्या है आप चिल्ला क्यों रही थी? मुझे लगता मुझे वहम हो गया। वो क्या है कि किसी ने इससे कह दिया है कि सुबह सुबह चिल्लाने चीखने से पड़ोसी ज्यादा सामान देते हैं। नानी जी आज मैं कुछ मांगने नहीं आई हूँ, आज तो मैं मिठाइयाँ देने आई हूँ। वो राधा मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो मैंने अपने हाथों से राधा के लिए मिठाइयाँ बनाई है। राधा इन्हें टेस्ट करके बताना कि कैसी बनी है। अच्छा नानी जी मैं चलती हूँ। बाय मामा। बाय नानी। आप दोनों को क्या हो गया, कोई सांप सूंघ गया क्या? नानी मामा। ओह वो क्या है ना, तुम्हारी शांति आंटी हमें ये मिठाई देकर गई है, इस वजह से हम दोनों की ये हालत है। शांति आंटी और मिठाइयाँ, वाह। मामी प्रिंसिपल ने कहा कि कल सवेरे आप जल्दी आ जाएगा, उन्होंने आपको ब्रीफ करना है। क्यों राधा कॉलेज क्यों जाएगी? नानी आप भूल गई, कल मिस टीन कॉन्टेस्ट 2003 है और मम्मी वहाँ जज बनी है। आप क्या करें, इस कमबख्त मिठाई को देखकर दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया ना। जिया बेटा देख अभी भी वक्त है, तू इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले लेना। नहीं मम्मी मैं इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लेना चाहती, और मैंने कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया इसीलिए तो आपको जज बनाया है। जी नहीं, इन्हें जज इसलिए बनाया है कि ये खुद मिस टीन रह चुकी है उसी कॉलेज में, और एक तुम्हें देख लो मिस टीन बना तो दूर की बात, तुम हिस्सा भी नहीं लेना चाहती। नानी ये रैंप पे कैटवॉक मुझसे नहीं होगा, इन सब चीजों के लिए ना पैम ही ठीक है। क्या कर रही है? जिया बेटा क्या पैम वाकई इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही है? हाँ क्यों? अरे तो मेरी मिठाई की मुझे क्यों पड़ी है? अब मैं समझ गई जिया कि शांति जी मुझे ये मिठाई देने क्यों आई थी, ताकि मैं पैम को ज्यादा नंबर दूं। लेकिन हम सब में से कोई ये मिठाई नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? शांति के घर से मिठाई इस जन्म में तो एक ही बार आ सकती है। मैं तो खाऊंगी, मैं जज नहीं हूँ, जज तू है, समझी ना। बाय नानी। बाय मामा। ओफो मामा ये जादू से मिठाई मंगा के खाना बंद कीजिए ना, सूरज देख लेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे। अरे वाह, सुबह जब शांति मिठाई लाई थी तब तो खाने दिया नहीं, अब ये तो मेरी अपनी मिठाई है। ओके ओफो मामा। मामी मामी पता है मैं मिस टीन कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रही हूँ। मैं जानती हूँ, तेरी नानी ऑलरेडी मुझे बता चुकी है। अच्छा सुन, मैंने प्रिंसिपल साहब को फोन कर दिया है कि मैं जज नहीं बनूंगी क्योंकि मेरी बेटी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही है। ले तू यहाँ बैठी है? अरे बिट्टू कह रहा था माँ बेटी दोनों मिलकर ना जिया को ट्रेनिंग दे रहे हैं, अब तेरा क्या होगा परमिंदर? परमिंदर नहीं आंटी, मैम ही सही, लेकिन तू रो क्यों रही है? आंटी मुझे ना मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है, आज अगर मेरी मम्मी यहाँ होती ना तो वो जमीन आसमान एक कर देती मुझे जिताने के लिए। लेकिन ओए 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 मैं पुत्र तू फिक्र मत कर, देख तेरी मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना यहाँ तेरी मम्मी की छोटी बहन, तू मेरी बेटी जैसी है। देख मैं तुझे जिताने के लिए ना साम दाम दंड भेद हर तरह के हाथ कंडे अपनाऊंगी, लेकिन तुझे जिताऊंगी जरूर। तू चिंता मत कर पुत्र, चिंता मत कर। अच्छा आंटी मैं ब्यूटी पार्लर होके आती हूँ। बाय आंटी, आई सी यू लेटर। ये सचमुच में रो रही थी। हाँ ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, तो सबसे अलग लगेगी जिया, प्रॉमिस। आई एम सॉरी, 1970 के हिंदी फिल्म की हीरोइन लग रही है बिल्कुल। पर वैसे मिस टीन आज का कॉन्टेस्ट है, आज वाले कपड़े होने चाहिए। क्यों? जैसे कि उप्स। ओए हाय रब्बा ये क्या हो गया? ये चीवा कौन? अच्छा 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 तो तुम हो, जब देखो हमारे घर पर जासूसी करती रहती है मैडम जेम्स बॉन्ड जासूस नंबर वन। ये ऐसे नहीं सुधरेगी, चला इधर आ जा तू। अभी अभी तो ये सारे दिखाई दे रहे थे, वो अभी दिखाई क्यों नहीं दे रहे? काश इस दूरबीन के ना कान होते तो मैं इनकी बातें भी सुनती। फोकस कर फोकस, दिखने के साथ साथ सुनाई भी देगा। थैंक यू अभी भी मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। दूरबीन हटा दीजिए सब दिखाई देगा। अच्छा हाँ!
मैं यहाँ कैसे आई? दूरबीन में देखते देखते आप यहाँ चली आई, और कैसे? अच्छा अच्छा तो मैं चलती हूँ, मैंने ना दूध में गैस रखा होगा, गैस उबल रही होगी, गैस में दूध रखी होगी वो उबल रही होगी ना, मैं चलती हूँ। होता है ऐसा होता है कभी कभी। वैसे कुछ देखना बाकी है कि बाय 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 बाय? अटेंशन गर्ल्स, हम कॉन्टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मीता का नंबर है, फिर ईना, टीना और कुसुम रानी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं? वैसे मैं ठीक लग रही हूं ना? मेरा विग? हाँ, बिल्कुल ठीक लग रही है। अच्छा चल ना फिर जल्दी। नहीं मीता, मुझे मेरा मेकअप पसंद नहीं आया, तू जा, मैं आती हूँ। गुड लक, जल्दी आ। हाँ तुम जल्दी आना, हाँ सबसे पहला नंबर हमारा ही है, ठीक है? जल्दी आना जल्दी आना। ओह ये मेरा मेकअप अच्छा नहीं लग रहा, मैं मुंह धोकर आती हूँ। Shut up! मुझे पता ही है, जरूर तुम्हारी हरकत है। You, oh my God, मैं क्या करूँ? जिया बेटा, तू तैयार हो गई? अरे इस तरह मुंह छुपा कर क्यों बैठी है तू? चेहरे को क्या हो गया? Oh my God, ये किसने किया जिया? मैंने देखा तो नहीं, लेकिन और कौन हो सकता है? श्रृंग ब्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, मेरी जिया को रुलाकर खुद को सजाए, मेरे सामने वाली चुया बन जाए। नहीं नानी नहीं। मेरा मेकअप करने से नहीं रोक सकता। मेरे नीचे क्या कर रहे हैं? मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ, खुश रहो, आबाद रहो। आजकल उल्टा जमाना है ना, बच्चे तो बड़ों के आशीर्वाद देते नहीं, तो बड़े आशीर्वाद देते बच्चों को झुक कर। अब बारी है पैम सोंदी की। पैम सोंदी जहाँ भी हो स्टेज पे आए। मेरा नंबर आ गया, मैं जाती हूँ। जब तक जिया स्टेज पर नहीं जाएगी तू नहीं जा सकती, यही रहेगी और रिहर्सल करती रहेगी तू। हाँ ठीक है नानी, जैसा आप कहें। अटेंशन पैम सोंदी जहाँ भी हो स्टेज पे आए। पैम सोंदी जहाँ भी हो स्टेज पे आए। अरे चल जल्दी चल परमिंदर। मैं परमिंदर नहीं पैम, थोड़ी और रिहर्सल कर लूं, आप देख के बताइए मैं जीतूंगी ना। अरे जीतेगी तो तब ना जब तू स्टेज पर जाएगी। अरे चल जल्दी चल ना। जिया मल्होत्रा। अरे 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 अभी आ रहे तुम दोनों यहाँ? जल्दी छुपने से ना भाई, भूत भविष्य वर्तमान बदली, मेरी गलती से जिया बन गई है चुया, वापस बना दे उसे मेरी प्यारी सी गुड़िया। राधा हाँ तो कुछ करती हूँ। श्रृंग ब्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदली, काली जो हो गई है सूरत, दोबारा से बना दे मेरी जिया को खूबसूरत।
क्यों? मुझे क्या हुआ था? बेटा तो गलती से चूहिया बन गई थी। क्या? ये जिया यहाँ कहाँ गई? जिया तो यहाँ थी नहीं। वो यही थी, तुमने ठीक से देखा नहीं। अरे अब मैं इसका क्या करूँ? इसे बाथरूम ले जाकर ठंडी पानी की छींटे मारो, ठीक हो जाएगी। ये भी करके देखती हूँ। चल चल मेरे साथ चलती, चल। अभी तक मीता के नंबर सबसे ज्यादा है। अगर पैम और जिया स्टेज पे नहीं आती तो मीता को मिस टीन 2003 बना दिया जाएगा। अरे नहीं नहीं, अरे जी बेटा खड़ी क्या कर रही है? चल जा जल्दी स्टेज पे, जा 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 भाग जा। तो मिस टीन नहीं बन पाओगी। मीता को मिस टीन 2003 बना दिया जाएगा। मीता को मिस टीन 2003 बना दिया जाएगा। मीता को मिस टीन 2003 बना दिया जाएगा। जिया, हर लड़के की तरह मेरा भी सपना है कि मैं मिस टीन का ताज पहनूं। जिया, हर लड़के की तरह मेरा भी सपना है कि मैं मिस टीन का ताज पहनूं। जिया क्या सोच रही है, जा ना जल्दी। नानी, मैं तो कभी मिस टीन बनना ही नहीं चाहती थी। ये तो मीता का सपना है, और मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मेरी सहेली मिस टीन बने। जिया, You're my best friend.